इसके बाद शराब, जुआ, पांसे, इन सब चीजों के हराम और नजस होने का फतवा दे दिया और उसकी मसलहत बयान की। और मसलहत में दो अहम बातें खास तौर पे शराब और जुए के बारे में बताई। फरमाया कि शराब और जुए के जरिए शैतान तुम्हारे दरमियान अदावत फैलाता है, दुश्मनी। नंबर दो, इसके जरिए से शैतान तुम्हें नमाज और अल्लाह के जिक्र से महरूम कर देता है। यानी शराब और जुए का यह नतीजा है कि एक तरफ से इंसान के साथ हमारा ताल्लुक टूट गया, दुश्मनी हो गई, दूसरी तरफ से रहमान से हमारा ताल्लुक टूट गया कि ना नमाज के रहे ना जिक्र के रहे। तो जाहिर है कि इससे बड़ा और गुनाह क्या होगा कि अल्लाह से भी ताल्लुक टूट गया और इंसान से भी ताल्लुक बिगड़ गया।